क्या हाल है भाई लोगों के मस्त सब। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि सिर्फ ये आर फाइव वर्जन 3 के ऑनर्स के लिए नहीं होने वाली है, बल्कि अगर आप किसी भी बाइक के ऑनर हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो का एंड तक देखना, ठीक है। ये वीडियो मेरे उन भाइयों के लिए स्पेशली होने वाली है जो अपनी बाइक टाइम टू टाइम सर्विस कराते हैं, बट फिर भी उनकी बाइक जैसे जैसे पुरानी होती रहती है उनकी बाइक का मतलब परफॉर्मेंस और माइलेज कम होता जाता है डे बाय डे। और उसका रिजल्ट ये आता है 1.5-2 साल बाद, जब बाइक को होते हैं 1.5-2 साल अपने, तो उनकी बाइक की में जरूरत से ज़्यादा पैसा लगने लग जाते हैं। मतलब एक तो होती है एक्चुअल कॉस्ट में लगनी लगनी है, बट उनकी बाइक में बहुत ज़्यादा खर्चा होने लग जाता है उसके अकॉर्डिंग ना। तो यार तुम्हारा भाई इस वीडियो के थ्रू कुछ टिप्स शेयर करने वाला है जिसको आप फॉलो करके अपनी बाइक की माइलेज और परफॉर्मेंस हमेशा ब्रांड न्यू बाइक की तरह रख सकते हैं। तो यार टिप नंबर 1 ये होने वाली है, अपनी बाइक पर बैठने से पहले यार उसके लिए 2 मिनट निकालिए और इसको इंजन को वार्म अप करिए। अब इंजन को वार्म अप कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और ये करना कब का है ये भी आपको बताता हूँ। जैसे आपकी बाइक को खड़े हुए 7-8 घंटे का टाइम हो जाता है, मान लीजिए आप मतलब ऑफिस जाते हैं तो रात को आप ऑफिस शाम का ऑफिस से आए तो खड़ी कर दी बाइक, पार्क कर दी, अब उसके बाद सुबह निकाली आपने, तो जब सुबह निकाल रहे हो तो आपकी बाइक को खड़े हुए 7-8 घंटे हो चुके होते हैं। उस पॉइंट पीरियड पर हमें बाइक को अपनी वार्म अप करना चाहिए। और सुबह आप गए ऑफिस, आपने पार्क कर दी, फिर शाम में लेके निकले तो उस पॉइंट पर भी 7-8 घंटे हो जाते हैं, तो उस पॉइंट पर भी हमें अपने इंजन को वार्म अप करना चाहिए। आप वार्म अप कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो यार देखो आप ये चीज़ जान लीजिए, जैसे R5 वर्जन 3 है इसमें किक स्टार्ट नहीं है, तो इसका वार्म अप कैसे करना है आना है हम लोगों को। जैसे ये वर्जन 3 हमारी, और न्यूट्रल कर लेना है, न्यूट्रल करने के बाद सेल्फ करना है। अब देखो इसको खड़े हो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो इसमें प्रॉपर तो नहीं दिखा पाऊंगा, बट बढ़िया दिखा देता हूँ आपको। देखो अभी इसका RPM देखो कितना है, हाई हो रखा है, अभी ये वार्म अप नहीं है। जब ये वार्म अप होगी ना तो इसका RPM 1500 तक आ जाएगा, और 1500 एक घंटा अप डाउन करेगा, और जो इनकी एक्सीलरेशन है वो भी कम हो जाएगी। तो ये चीज़ देखो आप, तो थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखाता हूँ आपको ये चीज़, क्या टाइम क्या वेस्ट करना बेकार में, वीडियो लेंदी हो जाएगी। तो यार आप देख, जैसा कि आप देख ही सकते हैं इसका RPM देखो, अगर आपको दिख पा रहा हो तो ये देखो अब ये वार्म अप हो गई है, पूरी कंप्लीट रेडी टू गो बन चुकी है अभी ये देखो, कम बढ़ लहेगा। और RPM देखो मैंने कहा था ना आपको 1500 तक आ गया, अब कम बढ़ ऐसे ही लगा रहेगा, मतलब रेडी टू गो चुकी है, अब आप इसको लेके जा सकते हैं। आप अपनी बाइक को एक बार बताओ सर्विस स्टेशन कब लेके जाते हो, जब आपकी बाइक 3000-3500 किलोमीटर चल जाती है, या फिर आपकी बाइक को 3 महीने हो चुके होते हैं तब आप सर्विस स्टेशन लेके जाते हो। बट यार जब आपकी बाइक 500-700 किलोमीटर चल जाती है ना तो इसकी चैन बहुत गंदी हो जाती है, ठीक है, इसकी चैन बहुत ज़्यादा ही गंदी हो चुकी होती है क्योंकि ओपन चैन है तो इसलिए बहुत गंदी हो जाती है। तो यार प्लीज़ यार इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा करो कि हर 500-700 किलोमीटर बाद आपको अपनी बाइक की चैन क्लीन और लूप करना ही करना है। अगर आप चाहते हो तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि घर पे हम लोग कैसे चैन क्लीन कर सकते हैं और लूप कर सकते हैं इसकी। तो यार आज की वीडियो में इतना ही था, अगर आपको लगा हो कि भाई मैंने अच्छा टिप्स बताई आप लोगों को तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो। और यार हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलो, बहुत ही अच्छी अच्छी अपडेट्स आती रहती हैं उस पर, तो फॉलो द इंस्टाग्राम ऑल्सो।